जैन युवा शक्ति के सभी प्रतिनिधि कुछ समय में मंच पर आएंगे, तब तक सोलंकी फैमिली चेयर्स है ही हमारे पास। मनोज जी, शायद ही मैं आज आपको मौका दे रहा हूं कमेंट्री का। जैन युवा शक्ति विरार के प्रतिनिधि अब एकजुट हो चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। जी हाँ, अच्छा कैच मनन के द्वारा। जैन युवा शक्ति विरार के सभी युवा जो है वो मंच पर मौजूद है। आने वाले समय में इस प्रतियोगिता की जो जिम्मेदारी होगी वो इन सभी युवाओं के कंधों पर जरूर होगी। जैन प्रीमियर लीग का भविष्य जो है, जैन प्रीमियर लीग का भविष्य आप मंच पर देख रहे हैं। जो जिम्मेदारी राकेश भाई, नरेश दादा, दिगी भाई, सैंडी भाई, कमल भाई, इन्होंने स्वीकारी थी और निभा रहे हैं, और सारे मेरे कमेटी मेंबर्स, वो आने वाले समय में ये शख्स निभाएंगे, ये युवा निभाएंगे। इन सभी को सम्मानित करते हुए सोलंकी परिवारजन, जय श्री राम। आशीष जी डीजे बजा रहे हैं, जेके जी उनको बजा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, ये पक्के परफेक्ट ऑलराउंडर कोई है तो आशीष ही है, आशीष सेठिया। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, डीजे बजाना, स्कोरिंग करना, डांस करना, घर में काम कर, अरे जैन युवा शक्ति विरार अपने शॉप पे ऑफिस में काम करना भाई। आशीष जी को दुख हुआ लेकिन काफी लोग खुश हुए, उसमें वो लोग भी खुश हुए जिनका काम करने में हाथ बटाते हैं। क्या बात है जेके भाई। अरविंद भाई, आपकी फैमिली अगर तैयार है तो आप भी मंच पर आ सकते हैं। दरमियान हमारे शाम के नाश्ते के लाभार्थी भावना भूरलाल जी मादरेचा परिवारजन, डिंपल भव्य मादरेचा, मनन भव्य मादरेचा, मेट्रो प्लाईवुड विरार, भावना भूरालाल जी मादरेचा परिवारजन कृपया मंच पर आ जाएं। मेट्रो प्लाईवुड विरार। नितिन भाई दुग्गड़ का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नितिन भाई आप क्रिकेट अब नहीं खेलते हैं,
आपकी बॉलिंग बड़ी शानदार हुआ करती थी और जेपीएल का पहला सीजन, इस नारंगी ग्राउंड का पहला सीजन, पहले सीजन में मुझे विराट तक छोड़ने वाले यही शख्स हैं, मैं इनको कभी कैसे बोल सकता हूं, कभी नहीं बोल सकता। सिल्वर कॉइन के लाभार्थी कंचन भाई स्वर्गीय नानालाल जी सोलंकी परिवारजन, भावना सुरेश जी सोलंकी, जय प्रथम सोलंकी और विरार कमोल से हमारे परिवारजन, जय सूर्या किराना। अगर आप सभी परिवारजन मौजूद हैं तो मंच पर आ जाएं। दरमियान मेट्रो प्लाईवुड से मादरेचा परिवारजन हमारे बीच पधार रहे हैं। भावना भूरालाल जी मादरेचा परिवारजन, डिंपल भव्य मादरेचा, मनन भव्य मादरेचा, मेट्रो प्लाईवुड विरार। सभी मेट्रो प्लाईवुड्स के परिवारजनों का धन्यवाद, आभार, तहे दिल से शुक्रिया। की परिवारजन हमारे काफी करीब आ चुके थे, सोलंकी फैमिली अवेलेबल है, सोलंकी फैमिली जयसूर्या किराना सोलंकी परिवारजन, अब अगर आप यहां उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। सोलंकी फैमिली महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट्स, अरविंद भाई सोहन लाल जी जैन परिवारजन कृपया मंच पर आ जाएं। सोलंकी परिवारजन हमारे सिल्वर कॉइन के लाभार्थी, आपका भी इंतजार हमें होगा। साथ ही साथ भरत भाई लालचंद जी मांडोत परिवारजन, आपका भी इंतजार हमें होगा। करधर इलेक्ट्रिक हार्डवेयर एंड सिरेमिक्स के फैमिली मेंबर्स का भी हमें इंतजार होगा। चंदा मामा कैमरे में बिल्कुल देखते हुए, स्क्रीन पे देखिए चंदा मामा, आंखों से वो चल हो रहे हैं चंदा मामा, शानदार नजारा। और स्टेज को भी कवर किया जा रहा है, किशोर जी बिल्कुल आप जमाई ले रहे हैं थोड़ा सा, वो दिख रहा है। नहीं नहीं, आपने पकड़ लिया क्या मुझे? पकड़ नहीं लिया, कैमरा मैन ने पकड़ लिया। ओके, थोड़ी सी झपकी किशोर जी आप ले रहे हैं। सिल्वर कॉइन के लाभार्थी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? कंचन भाई स्वर्गीय नानालाल जी सोलंकी परिवारजन यहाँ है कि कहीं खो रहे हैं? जयसूर्या किराना से अगर आपके सभी परिवारजन मौजूद हैं तो कृपया आ जाए, नहीं तो मनोज भाई ऐसी ही मेरी टांग खींचते रहेंगे। सभी का स्वागत। जेके भाई इधर आ जाइए, बैट्समैन का नाम बताइए। जेके भाई बैट्समैन का नाम बताइए, नानी शेखर बैट्समैन। पहली गेंद गिल्ली से टकराई, गिल्ली दिल्ली चली गई, ठुमक ठुमक।
टाटा भाई। न्यू बैट्समैन यहाँ पे आए, व्हाइट का इशारा, नाम भी नहीं पता हो पा रहा है। जय किशन किसी को भेजिए जिसको नाम पता है, जो आउट हो गए उनको भेज दीजिए। जेके जो आउट हो गए उनको भेज दीजिए। ये गेंद हम कह रहे थे जेके बल्लेबाज इसको ठीक से नहीं देखे, एक रन यहां पर मिल जाएगा। चाय की चाह है मयूर जी, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये अच्छी गेंद। कपड़े कह रहे हैं आप अच्छा है, लेकिन मैं कह दूं कि कपड़े छोड़ करके ये डीजे बजाएंगे इसका अर्थ बदल जाएगा, कितना शब्दों का हेर फेर है। पहले सेमीफाइनल में मंचापुरना रॉयल्स और मां स्टार्स के बीच भिड़त नजर आएगी। मां स्टार्स के कप्तान और मंचापुरा रॉयल्स के कप्तान, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अगले मैच के टॉस के लिए। और कितने ओवर का होगा वो सैंडी भाई थोड़ा तय कर देंगे, कितने ओवर का होगा? 6 ओवर ही। मंचापुरा रॉयल्स और मां स्टार्स के बीच के मुकाबले का टॉस, और टॉस के लाभार्थी महावीर टर्फ ग्रुप से प्रतिनिधि हमें साथ दे। मंचापुरना रॉयल्स और मां स्टार्स फुल टॉस, गेंद भी बल्ले पे नहीं आ रही है, रन बनाने हैं। 26 गेंद में 35 रन की अभी भी आवश्यकता है, 26 में 35 की आवश्यकता है। और अब एक गेंद और कम हो गई, एक रन कम हुआ, माफी चाहूंगा, 26 पे 34। जैसे धीरे धीरे गेंद आ रही वैसे बल्ला भी धीरे धीरे चल रहा है। सोसाइटी ग्रुप मंच पर मौजूद है, मनोज भाई, राकेश भाई और परिवारजनों का, दोषी परिवारजनों का सम्मान होता हुआ। कमला भाई स्वर्गीय लालचंद जी
दोषी परिवारजन मंच पर मौजूद। बैट्समैन कह रहे हैं वहां पे, क्या नाम है बैट्समैन का? मनन। मनन कह रहे हैं भागना, गेंद को नहीं देख रहे हैं कि गेंद उन्होंने कितना दूर खेल दिया है कि रन के लिए वो जाने वाले। गेंद तो वहीं उठी हुई है। मनन थोड़ा मनन करिए, चिंतन करिए, थोड़ा दूर खेलिए शरीर से। 24 गेंद पे 34 रन की आवश्यकता। राकेश दोषी जी और उनके परिवार को सम्मानित किया जा रहा है। थोड़ा सा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जब भी ये दोषी परिवार की बात आती है तो मुझे वो अंकल जी की यादें भी थोड़ी सी ताजा हो जाती हैं, जहन में आ जाती हैं। 24 पे 34। राकेश भाई अगले मैच के टॉस के लिए भी आपको मंच पर ही रुकना है। मास्टर्स और मंचापुरा रॉयल्स के बीच में होगा टॉस। भावेश भाई आप मंच पर आ जाएं। भावेश भाई और महावीर टर्फ ग्रुप से प्रतिनिधि मंच पर आ जाए। महावीर टर्फ ग्रुप, मंचापुरा रॉयल्स जिनका मुकाबला मा स्टार्स के साथ, और ये सबसे अहम मुकाबला होगा अब तक का, पहला सेमीफाइनल। हवा में गेंद, फील्डर उस ओर भागते हुए नहीं पकड़ पाएंगे। एक रन मिला, दूसरे रन के लिए जाना चाहिए। लेकिन अब मुझे एक चीज, वाइड, टॉस, मंचापुरा रॉयल्स बनाम मा स्टार्स, और ये पहला सेमीफाइनल संस्करण 10 का। महावीर टर्फ ग्रुप से प्रतिनिधियों द्वारा टॉस किया गया। मा स्टार्स ने जीता टॉस और निर्णय लिया है। राकेश भाई पहले क्षेत्र रक्षण। मनोज भाई आपके कंप्यूटर में एंट्री कर लीजिए प्लीज। मा स्टार्स जीता टॉस, पहले क्षेत्र रक्षण, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। मा स्टार्स के सामने टीम जो है मास्टर्स एंड दूसरी टीम मंचापुरा रॉयल्स। का वीडियो के लिए काम आएगा, रील बन जाएगी। अब जो सम्मान शेष है वो है सिल्वर कॉइन लाभार्थी सोलंकी परिवारजन यानी जयसूर्या किराना, आपका जो सम्मान है अब भी शेष है। और साथ ही साथ हमारे सिक्सर के लाभार्थी महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट्स, आपका सम्मान शेष है। लगभग अन्य सारे सम्मान जो है, हाँ और एक सम्मान वो है करधर इलेक्ट्रिक हार्डवेयर एंड सिरेमिक्स, आपके परिवारजनों का भी सम्मान शेष है। बिल्कुल। और किशोर जी 20 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता यहाँ पे, लेकिन अब 19 पर 29, 12 रन बने हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं, 2.5 ओवर का खेल हुआ है। 19 गेंद पे 29 रन की आवश्यकता है। गेंदबाज तैयार है, प्रकाश, प्रकाश के सामने।
नीलेश, नीलेश धाकड़ प्रकाश पामना गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सामने नीलेश धाकड़, धाकड़ को धाकड़ गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजी करनी होगी, प्रकाश पामना को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। नानशायकर इन पे जय किशन मैच का लुत्फ उठाते हुए लंबे लंबे वालों वाले स्टाइलिश खिलाड़ी प्रकाश किए गेंद नीलेश के लिए, चकमा देने की कोशिश, अब स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, वीक रन और टीम के खाते में। तो इस समय कमल के खिलाड़ी 13/3 19 गेंद पे 28 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। जयसूर्या किराना के परिवारजनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कंचन भाई स्वर्गीय नानालाल जी सोलंकी परिवारजन, भावना सुरेश जी सोलंकी, जय प्रथम सोलंकी जी, कमोल क्षेत्र से। सॉरी टू इंटरप्ट किशोर जी, धवल जी आप आए तुरंत स्कोरर से मिले, धवल आशीष डीजे अठारह पे 27 यहां पर आवश्यकता कमल के खिलाड़ी की टीम को 18 गेंद पे 27 की। गेंदबाज राज सांकला, राज के सामने नीलेश धाकड़, हाथों से छूटी है गेंद, दो लगातार वाइड, राज सांकला। जयसूर्या किराना और सभी सोलंकी परिवारजनों का तहे दिल से शुक्रिया। अब महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट्स के हमारे परिवारजन, मुझे लगता है ये सारे जब तक महालक्ष्मी सिक्सर जड़े नहीं जाते तब तक नहीं आएंगे, क्योंकि तब तक तो हमें उनका उनको आवाज देना ही है। अरविंद भाई आप जैसे ही रेडी हो जाए हमें इशारा दे दीजिएगा, आपका और आपके परिवारजनों का सम्मान शेष है। बहुत देर के बाद किशोर जी कमेंट्री बॉक्स में वापस आते हुए, मुकाबला भी दिलचस्प है, 16 गेंद पे 25 रन की आवश्यकता है। किशोर जी जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, इस बार फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल लिया, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। पंद्रह पे चौबीस इस बार शॉट अच्छा है, गेंद हवा में, फील्डर उस ओर भागते हुए, और आखिरी समय में आइसक्रीम की आखिरी कस बच्चा मुंह में लगा रहा था, थोड़ा थोड़ा स्वाद आ रहा था, आइसक्रीम के कस टूट करके नीचे गिरी है, केवल डंडी मुंह में लगी है। किशोर जी 13 गेंद और 20 रन की आवश्यकता।
मनोज जी, आइसक्रीम का नाम सुन के कुछ बच्चे कमेंट्री बॉक्स के दिशा में आ रहे हैं, आप अब देख लीजिए अगर आगे क्या करना है। यार आइसक्रीम यहाँ पे नहीं बट रही है, लकी डॉग के कूपन की बात है, बच्चे सोच रहे हैं। आपने देखिए, अगर बच्चों को बुलाना हो ना तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। किशोर जी, फिलहाल ओवर क्या समाप्त हुआ यहाँ पे? नहीं, रिव्यू लिया गया है, 13 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है। किस बात पे चर्चा है? थोड़ी सी वहां पे खेल रुका हुआ है और अंपायर को, अंपायर ही रिव्यू अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी खिलाड़ी के लिए नहीं है। जहां तक आशा है मुझे, जहां तक मैं जानता हूं, किसी भी फील्डर के लिए कुछ नहीं है वहां पे। कमिटी मेंबर्स, अंपायर्स, खिलाड़ियों के बीच में हुई, कमल जी ने कुछ सिग्नल दिया, शायद ये गो अहेड का सिग्नल है। मुकाबला अब जारी नजर आता हुआ। स्कोर हम एक बार मनोज जी दोहरा देते हैं, 12 गेंदों में आप 20 रनों की, 12 में 20 और 24 में 21 बने हैं किशोर जी, यानी कि चार ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 4 विकेट के नुकसान पे और 12 में 20, लेकिन बैट्स तेजस, नीलेश धाकड़ को धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी। 4 पे 2 से काम नहीं चलेगा, गेंद लेग स्टंप की तरफ थी, उसे खेलने की कोशिश किया था बल्लेबाज ने, लाइन मिस किया, 1 रन। 11 पे 19, कमल के खिलाड़ी वर्सेस सांकला सुपर किंग्स के बीच का यह मुकाबला, ज्यादा लक्ष्य नहीं है लेकिन 41 भी कम नहीं होता। इस बार 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, थोड़ा सा मिसफील्ड नतीजा, जहां थोड़ा फंबल हुआ, फंबल तो सिंगल सीधे बदल गया डबल में। 10 पे 17, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे? पहले सेमीफाइनल का टॉस भी हो चुका है, अभी 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मुकाबला बचा हुआ है। किशोर जी, बहुत ज्यादा समय लिया गया है इन मैचेस में अगर देखा जाए तो। इस बार क्लीन बॉल यार करा दिया, बल्ला चला था लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं, तो रूठी रहे मैं मनाता रहूं, सिलसिला ये जारी है, उस पर गेंदबाज का कहर भारी है। चौबीस बने हैं 5 विकेटों के पतन पर, 9 गेंदों में 17 की दरकार। स्ट्राइक पर कमल पुल कर दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक से ज्यादा मिलना मुश्किल। एक ही रन कोशिश तो वहां पर किया था और बहुत अच्छा ये शॉट खेलते हैं, चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, और जबरदस्त मजा आता है जब कमल खेलते हैं पुल। अब कमल भाई अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो तारीफें तो बनती है मनोज भाई, तारीफें तो बनती है, लेकिन वाइट का इधर इशारा उनके लिए, तो मैं यही कहता हूं ना हमेशा, किशोर जी इतने गोरे हैं कि फेयर एंड लवली वाला इनका घर छोड़ करके बाकी सब जगह जाएगा, वो भी शर्मा जाता है इनके आगे। वैसे भी मनोज भाई मैंने देखा है आपको, कई बार सुना है मिड विकेट के क्षेत्र में प्रहार किया है, ओहो अब कहे तो क्या कहे, प्रयास बेहतरीन, अच्छी कोशिश की सोच जी, क्योंकि बहुत लंबी दौड़ लगानी थी वहां पर, इतना आसान नहीं होता है। और राइट हैंडेड अगर आप हैं और आपको लिफ्ट में जाकर के कैच करना होता है,
रिवर्स स्वीप और स्विच हिट बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये बल्लेबाज, भले वहां पर सिंगल डबल ही मिल रहा है लेकिन अब आंकड़े समीकरण बदल गए, 6-12 6-12 मुकाबला कमल के खिलाड़ी और सांखला सुपर किंग्स के बीच। 6-12 6-12 किशोर जी क्या लगता है कौन सी टीम, बैटिंग या फील्डिंग? कमेंटेटर्स को हमेशा निष्पक्ष रहना होता है मनोज जी, दोनों टीमों का हौसला बढ़ाना होता है। मेरे नजरिए से दोनों मुकाबले और दोनों जो प्रतिस्पर्धी हैं मुकाबले में अब भी बैलेंस है, यहां से दोनों संघों को मौका है कि जीत हासिल कर सकते हैं इस समय। जो आपका जवाब जो है वो मुझे ये बता रहा है कि या तो आप कमेंट्री करते करते ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या उसके बाद इरादा अपना बना लिया है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इतना सटीक जवाब वही दे सकते हैं। 6-12 किशोर जी, 6-12 बॉलर केविन, केविन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, केविन को अपने केविन में बंद करना होगा इस बल्लेबाज को, लेकिन ये बल्लेबाज इतना आसान नहीं है, नाम ही है धाकड़, नीलेश धाकड़। नीलेश सामना केविन से, राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। मनोज जी ये अतिरिक्त रन बहुत घातक होते हैं और ये बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं, बहुत खर्चा दे देते हैं ये अतिरिक्त रन। मेहमानों से परेशान सावधान किशोर जी, लेकिन ये बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त है, क्या खाखड़ा क्या पापड़ बल्लेबाज है नीलेश धाकड़, फील्डर वहां पर फिसल गए, गेंद को उठाने की कोशिश कर रहे थे फिसल गए, दो रन लेने का वहां पर अवसर, दो रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 32 पे, 5 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता कमल के खिलाड़ी की टीम को, 5 गेंदे 9 रन। और कुछ दादी माँ और नानी ना साफ मुझे आवाज आ रही है, राम 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 राम, जप जाप करना यहाँ पर शुरू हो चुका है मनोज जी। बिल्कुल करना शुरू हो चुका है क्योंकि अपनी अपनी टीमों के लिए लोग अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, 5 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता है। इस बार लेग स्टंप पर भटकती हुई गेंद, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर उस ओर भागते हुए दूसरे रन की तलाश है, रन आउट का यहाँ पे चांस है, थोड़ा सा पीछे रह गए या क्या कुछ है, पहुंच गए हैं 25 का इंतजार करेगा किशोर जी। एक और डॉट गेंद, मेरी कुछ बहनों ने एक आंख बंद कर ली है, दूसरे आंख से मुकाबला ये देख रही हैं, इतना ज्यादा टेंशन तो उन्हें अनुपमा सीरियल देखते हुए भी नहीं होता था जितना अब हो रहा है। आप सीरियल देखते हैं? जी मैं बिल्कुल नहीं देखता, पक्का है मजबूरी में देखना पड़ता है आपको घर पे, लेकिन 3 गेंद पे 7 रन की आवश्यकता है किशोर जी, मैच बहुत दिलचस्प है, सीरियल का आपका नॉलेज भी बहुत दिलचस्प है। अगली गेंद, वाइड का इशारा यानी अब 3 गेंदों में 6 जरूरी 3 गेंदे 6 जरूरी 3 पे 6 दोनों के सपोर्टर समर्थक के यहाँ पे बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में, धक धक दोनों का दिल कर रहा है, दोनों एक दूसरे के सीने पे हाथ रखे हुए एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। अच्छा है कि दादाजी दादी के बगल में नहीं बैठते, क्योंकि दादी को आदत है ऐसा कुछ हो जाए डॉट गेंद चली जाती है तो दादी बगल में बैठे हुए को मुक्का मार देती है, आज दादाजी सुरक्षित है 35-5। ऐसे ही भारत पर और जब ऑस्ट्रेलिया का वो फाइनल मुकाबला हो रहा था तब किशोर जी बैठे थे बगल में, मैडम जी भी बैठी थी उनकी, वो बयां कर रहे हैं किशोर जी मुकाबला दिलचस्प, 2 पे 5 2 गेंदे 5 रन एक्शन ड्रामा इमोशन सब कुछ जैन प्रीमियर लीग संस्करण 10 में। एक और वाइड और ये इतनी बड़ी वाइड थी कि वाइड की गेंद भी कहेगी आप मुझे वाइड ना कहे, ये तो वाइड से और ज्यादा कुछ है। अगली गेंद 2 गेंदे 4 2 पे 4 किसकी होगी जीत किसकी होगी हार क्या होगा 2 गेंदों के बाद समाचार,
डॉट गेंद, एक पे चार। बात बात वो नहीं है, कमल भाई ने ही नियम बनाया है, कंपल्सरी चेस। कंपल्सरी चेस, अब कमल जो है थोड़ा सा तालाब में तैरते तैरते नीलेश भाई की तरफ पहुंच गए, गुरु मंत्र दिया। एक गेंद, चार रन शेष, पराज ज्वेलर चौका या फिर महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट सिक्सर, या फिर डॉट या फिर विकेट। आखिरी गेंद, शॉट बेहतर है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद हाथों में आई, पहला रन तेजी के साथ, और ये मुकाबला जीता है टीम सांखला सुपर किंग्स ने। अभिनंदन टीम। सेमीफाइनल मंचापुरा रॉयल्स बनाम मास स्टार्स के बीच में खेला जाएगा, जहां पर मास स्टार्स करेंगे टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण। मंचापुरा लैमिनेट्स, कमला देवी स्वर्गीय खेमराज जी सोलंकी परिवारजन है इस टीम के ओनर, और मंचापुरा रॉयल्स ने कई सारे पंडितों को आमंत्रित किया है, होम हवन और यज्ञ होने लगे हैं। मास स्टार्स सोसाइटी ग्रुप ने तय किया है कि अगर ये मुकाबला वो जीत जाते हैं तो दावत तो बनती है। अब इन दोनों टीम ओनर्स की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि ओनर्स विजेता बने हैं, अब तक पहुंचे हैं सेमीफाइनल तक। न्यू बॉल, कमल भाई न्यू बॉल का बॉक्स प्लीज। कमल भाई, सैंडी भाई, नए बॉल का बॉक्स। का निर्णय लिया दोनों टीमों से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहे।
सेमीफाइनल के मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। मास्टर ने जीता टॉस, पहले क्षेत्र रक्षण करते हुए ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। मंचापुरा रॉयल्स काफी आकर्षक, जिनकी जर्सियां एक येलो तो दूसरे पिंक में नजर आते हुए। रन संख्या 3 बन चुकी है और तीनों गेंदे जो हैं वो अतिरिक्त रही है। इस बार बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ फाइन लेग के क्षेत्र में, एक जबरदस्त प्रहार, पराग ज्वेलर्स चौका। सात रन, केवल एक गेंद हुई है और स्कोरबोर्ड पर 7 रन जड़ चुके हैं। एक पराग ज्वेलर चौका भी आ चुका है। कवर्स के क्षेत्र में बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। बहुत बार खिलाड़ी खुद से छलांग लगा रहे हैं, कई बार ये मैदान उन्हें मजबूर कर रहा है। ओस अब बढ़ रही है, खिलाड़ी फिसल रहे हैं। अगली गेंद राजेश, फिर एक बार छोटी गेंद, मिड विकेट तक पहुंच नहीं पाएगी। भावेश भाई, भावेश भाई जिस तरफ मैदान के जिस तरफ दौड़ते हैं, दूसरे तरफ का इलाका थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। बहुत तगड़े बाहुबली के नाम से एक शॉर्ट गेंद, एक शॉर्ट रन। अगली गेंद ड्राइव करना चाहते थे, इसी प्रकार से गेंदों को थोड़ा सा आगे रखना होगा। अब तक की रन संख्या जैनम और पीयूष के बल्लेबाजी के आधार पर पहुंच चुकी है 9, और कुछ आधार अतिरिक्त रनों का भी मिला है। राउंड द विकेट, यहां पर भी संपर्क हुआ है। भावेश इतने लंबे कद के हैं कि गेंद ऊपर से गुजरती ही नहीं, ठीक हाथों में आ जाती है। 10 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। इस पहले सेमीफाइनल में मां स्टार्स के खिलाफ मनब मंशापूर्णा रॉयल्स के 10 बिना किसी नुकसान के। अंपायर का इशारा देखने लायक होगा। बाईस का इशारा आ चुका है और जी हां, यह ओवर की भी समाप्ति है। पहले ओवर के अंत में मंशापुरा रॉयल्स ने बना लिए हैं मां स्टार्स के खिलाफ 11 रन बिना किसी नुकसान के। और तब तक, जब तक खिलाड़ी तैयार हो, हम सुन लेते हैं डीजे मयूर को।
जहां इस प्रतियोगिता ने हमें पागल कर दिया है। ये संस्करण 10 गेंदबाज का नाम हम तक पहुंचाए। बॉलर नेम प्लीज, भावेश भाई बॉलर नेम, जयेश भाई, ये जो आगे है ना सब इनको बाजू में करो, डीजे वाले को दिखाना है। जय भाई, ये जो आगे खड़े हैं ना सब, जो कमेंट्री बॉक्स के सामने ठीक खड़े हैं, थोड़ा सा आपको दूर खड़ा होना होगा। चंदन सुपर 11 के खिलाड़ी, मन मंदिर के खिलाड़ी, थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स से दूर खड़े रहे हैं। जय, अब सामने जैनम, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, विकेट कीपर को निशाना साधना होगा और ये मामला अब प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे, यानी थर्ड अंपायर को भूमिका निभानी होगी। थर्ड अंपायर पेपर जो है रीचेकिंग के लिए दिया गया है। मेरे पेपर जब रीचेकिंग के लिए गए, नतीजा वही रहा। अब देखते हैं यहां पर नतीजा क्या आएगा। टीवी स्क्रीन पर अंपायर्स देखेंगे क्या ये रनआउट हो चुका है या फिर बल्लेबाज सही सलामत अपने घर वापसी कर चुके थे। आज बच्चों ने बहुत मजे किए हैं यहां पर, मैच का टेंशन तो इन्हें था नहीं, बहुत समय के बाद दोस्त यार मिले, पूरा दिन मुस्कुराते हुए बच्चे नजर आए। सभी बच्चों के दांत दो दो इंच बाहर आ चुके हैं आज मुस्कुरा मुस्कुरा के। अब तक की रन संख्या, विकेट का हुआ है पतन, विकेट का पतन। कमेंट्री बॉक्स के सामने जो मेरे दोस्त खड़े हैं उनको थोड़ा सा दूर खड़ा होना होगा क्योंकि अंपायर्स का इशारा हम तक पहुंच नहीं पाता। कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने विशु भाई और सारे जो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, क्योंकि अंपायर जो इशारा देते हैं हम देख नहीं पाते। विकेट मिल चुका है, रनआउट के रूप में क्यों ना हो। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रीत, फुल टॉस गेंद, कवर्स की दिशा में राकेश भाई, गेंद को संभाले या डॉगी को संभाले, फिलहाल गेंद को संभाल लिया। और वैसे भी जैन जहां पर होते हैं वहां पर हमेशा जो प्राणी है वो सुरक्षित होते हैं। 14-1, अगली गेंद, फिर एक बार प्रीत, इस बार बाहर निकले, उसी क्षेत्र को चुना है, फिर एक बार राकेश भाई इन एक्शन, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। मास्टर्स एक दमखम रखने वाले खिलाड़ियों का खेमा है, क्षेत्र रक्षकों का खेमा है। 16-1, ये दूसरा ओवर गतिशील। प्रीत दो गेंदों का सामना करके 4 पर नाबाद, पीयूष 4 गेंदों का सामना करके 6 पर नाबाद। जय, जय की जय जयकार होगी अगर आखिरी कुछ गेंदों में ये विकेट लपके अपने टीम मास्टर्स के लिए। कुछ चर्चा भावेश भाई, शायद किसी चीज का डिस्कशन करते हुए। स्कोर तब तक मैं दोहराऊं, 16.14 गेंदों में, 1.4 ओवर्स, इन 1.4 ओवर स्कोर इज 16 एंड टीम मनशापुरा रॉयल्स हैज लॉस्ट 1 क्रूशल विकेट। अब रिप्ले, अपील हुई है और थर्ड अंपायर निर्णय ले रहे हैं।
पेपर रीचेकिंग को दिया गया, इस बार विद्यार्थी हुए हैं पास 16 पर 1, 16 रन, 1 विकेट का नुकसान। अगली गेंद, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रनों का सेलिब्रेशन भी मंचापुरा रॉयल्स जैसे बाउंड्री मिल रही है वैसे कर रहे हैं। हर एक रन बहुत अहमियत रखता है इस सेमीफाइनल के मुकाबले में। अब तक 17 रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर, यह दूसरा ओवर गतिशील है। अब तक की रन संख्या 10 के औसत से बनाई गई है, इसे आगे रखा था मिड विकेट के क्षेत्र में। बहुत कड़ा यह प्रहार भावेश गेंद के पीछे, लेकिन पराग ज्वेलर चौका नहीं रोक पाएंगे। पर डांस करते हुए कुछ दादियां और नानियों ने यहां की 2-3 कुर्सियां तोड़ दी। भाई अब उन्हें संभाले तो कौन संभाले, दादा तो काफी दूर बैठे हैं, नाना तो छुप गए हैं, लेकिन दादियां और नानियों का जो आशीर्वाद है इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ आपका प्यार हमेशा अंत तक रहे। अगली गेंद, कट करना चाहते थे राकेश अपनी गेंदबाजी से, बल्लेबाजों को भ्रमित करते रहेंगे, चकित करते रहेंगे, विकेट लपकने का प्रयास करते रहेंगे। 23 पर 1, इस बार ड्राइव किया है, तेज ड्राइव है, पावरफुल ड्राइव है, लेकिन चौका नहीं मिल पाएगा। क्या विकेट मिल पाएगा स्ट्राइकर एंड पर? नहीं, बच गए। अब तक की रन संख्या 25, 1 विकेटों का नुकसान। 25 for 1, 2.2 गेंदों में। फिर एक बार ड्राइव किया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, पहला रन मुकम्मल, दूसरे रन के लिए स्ट्राइकर एंड। कुछ एक्स्ट्रा रन नहीं, हां मिल जाएंगे। क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है? हां चल रहा है। 28, 1 विकेट का पतन। बहुत बार ऐसे प्रेशर सिचुएशन में आपके बड़े खिलाड़ियों द्वारा, अच्छे क्षेत्र रक्षकों द्वारा भी गलतियां होती हैं और यह जायज है। 28, 1 विकेट का पतन। 2.3 गेंदे, 6 ओवर का मुकाबला, 11 के औसत के साथ खेलता हुआ मंचापुरा रॉयल्स का संघ, मां स्टार्स के खिलाड़ी अब भी विकेट के तलाश में। राकेश भाई प्रयास करते हुए स्ट्राइक पर, पीयूष 4 गेंदों में 6 नाबाद बना चुके हैं, ज्यादा की उम्मीद। राउंड विकेट आए, वाइड का इशारा,
29 for 1। ये कलात्मक स्ट्रोक है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, पहला रन हो चुका है, दूसरे रन का प्रयास, वन बाउंस, टू बाउंस, थ्री बाउंस, थोड़ी सी थ्रो में प्रोटीन की कमी थी, तेज थ्रो आया नहीं और एक शॉट। चलो कोई बात नहीं, 30 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। दो दशमलव चार गेंदे, स्लोअर आर्म डिलीवरी, चकमा खा गए, बहुत धीमी रफ्तार से इस गेंद को किया था बल्लेबाज, चाहता तो एक कप चाय मंगवा के चाय की चुस्की लेके भी इसे हिट कर पाता, इतनी स्लो ये गेंद आ रही थी, भ्रमित कर दिया बल्लेबाज को। एक और स्लोअर आर्म डिलीवरी, इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में है भावेश भाई मौजूद, मुझे तो लगता है गेंद भी कहते हुए होगी कि भावेश भाई आराम से। 31 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर के समाप्ति के बाद। मयूर अभी जिंगाट मत लगाना, कुछ और चेयर टूट जाएंगी, कुछ और बजा देना दोस्त। अन्नपूर्णा रॉयल्स के खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स ब्रेक, और खुदा ना खास्ता अगर यहां पर पानी नहीं मिल पाता तो अन्नपूर्णा रॉयल्स के चाहने वाले नारंगी के नजदीक ही कुआं खोद देते आपके लिए, लेकिन प्यास आपकी बुझा देते, क्योंकि जिम्मेदारी वो समझते हैं। अब 31 बने हैं एक विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर्स अब भी शेष है, यहां से लगभग 60 के करीब रन बनाए जा सकते हैं यहां या उससे भी ज्यादा। गेंद जिन बल्ले गेंदबाज के हाथ में है, पहले तो इनकी पर्सनालिटी देख के ही बल्लेबाज थोड़ा सा सहम सा जाता है, पता नहीं किस रफ्तार से गेंद आएगी। 31 पर एक, सामने पीयूष, तेज गेंद शरीर के करीब आई, बल्ले और गेंद के बीच ज्यादा अंतर तो था नहीं। 31 पर एक, जितने भी परिवारजन पूरे विश्व से जो इन मुकाबलों का आनंद ले रहे हैं 2024 सीजन 10 में जेपीएल को जो प्यार दे रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय जिनेंद्र और आभार। डिनर का समय है, मैं समझता हूं कि आप थोड़ा सा आज डिनर लेट ही करेंगे, आज किचन में मेरे बहनों के हाथों से खाने में नमक जरूर ज्यादा गिरा होगा, क्योंकि उनका ध्यान भी टीवी स्क्रीन पर जो था, और ताज्जुब मुझे नहीं होगा अगर खीर में आज शक्कर के बजाय नमक गिरा हो, और मेरे भाई भी इसे खा जरूर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी टेस्ट समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उनका भी ध्यान टीवी स्क्रीन पर है, जैन प्रीमियर लीग पर है। और जो मेरी बहनें अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रही हैं, उनका निवाला बच्चे के मुंह के अलावा अगर कान में जाए तो भी ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि उनका ध्यान भी टीवी स्क्रीन पर है। 32 पर एक, कट करना चाहते थे, फिर एक बार बल्ले और गेंद के बीच बहुत कम अंतर, इस अंतर में केवल जेठालाल की मूछें समा पाती, इतना कम अंतर बचा था। 32 पर एक, यह चौथा ओवर गतिशील, स्ट्राइक पर पीयूष, 9 गेंदों में 8 नाबाद बना चुके हैं, आकर्षक पारी खेल चुके हैं, पटकी हुई गेंद, थर्ड मैन और कोई बात नहीं, प्रयास अच्छा। 33 बने हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब सेमीफाइनल का मुकाबला हो, श्रमदान करे, नेत्रदान करे, रक्तदान करे, लेकिन प्रतिस्पर्धियों के विकटों को जीवन दान ना दे,
घातक हो सकता है। 33/1 3.3 गेंदे मनपूर्णा रॉयल्स, मनशापूर्णा माफी चाहूंगा, मनशापूर्णा रॉयल्स। एक और डॉट गेंद भावेश भाई के, अगर उस एक अतिरिक्त रन को टाला गया तो उन्होंने बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों को। बाहरी किनारा लगा है थर्ड मैन के क्षेत्र में, सुरक्षित अंदाज में इस गेंद को रोका गया। मनोज जी कमेंट्री बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद किशोर जी। मनशापूर्णा रॉयल्स की अगर बात किया जाए तो 34/1 और ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार है वहां पर भावेश। भावेश के सामने 10 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं पीयूष। पहला सेमीफाइनल मुकाबला और जबरदस्त ये मुकाबला मुझे दिख रहा है किशोर जी, जिस प्रकार से आप आंखों देखा हाल सुना रहे थे, हम भी खड़े होकर के कहीं सुन रहे थे। ये गेंद बहुत अच्छी है, तेज तर्रार गेंद, एक रन यहां पर मिल जाएगा। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई, ओवर समाप्त हुआ, चार ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 महेश 35/1। मनोज जी हम कमेंटेटर्स हैं, मैं आपको सुन रहा था। बहुत बार आप जो विश्लेषण कर रहे थे, कई बार आपने कहा कि सर बल्लेबाज का गिर रहा है, बाया हाथ बॉटम हैंड आगे नहीं आ रहा, कंधा झुक रहा है, एकाग्रता की कमी है। तो ऐसे हालात में यहां पर जो मौजूद दादियां नानियां हैं उनके जहन में सवाल आता है, लड़के की शादी कैसे होगी। अब हमें हमारे शब्द भी बहुत सोच समझ के साथ रखने होंगे मनोज जी। बिल्कुल, इस मोड़ पे मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला बहुत बड़ा होता है और कह लीजिए कि एक तरह से वो प्रैक्टिस होती है फाइनल की। लेकिन क्या लग रहा है कि सूर्य कितना लक्ष्य होगा मनशापूर्णा रॉयल्स के द्वारा जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी टीम मास्टर्स। मुझे सोचना होगा। अगली गेंद, एक और डॉट गेंद। अब स्कोर मैं दोहरा हूं मनोज जी, इस सेमीफाइनल में मनशापूर्णा रॉयल्स ने 35 रन बना लिए हैं एक विकेट के पतन पर। क्या बात है, ये गेंद बहुत दूर, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। गेंदबाजी कर कौन रहा है जतिन, थोड़ा अभी जतन नहीं कर पा रहे हैं। 12 गेंद पे 9 रन बना करके पीयूष सामना कर रहे हैं और दोनों टीमें अच्छी हैं यहां पर किशोर जी। जो भी अच्छा खेलेगा वो फाइनल में पहुंचेगा। लेकिन जतिन की ये गेंद इस बार क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, डी बैक और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाते हुए। फील्डर उस ओर है और वो फील्डर जो लंबे लंबे डक भरते हैं, अच्छी फील्डिंग करने के लिए जाने जाते हैं। एक रन के साथ रन संख्या 38, 38/1 4.2 ओवर के बाद मनशापूर्णा रॉयल्स की टीम 38 रन बने हैं एक विकेट के पतन पर। दो आया, दो, यस 38 हुआ है 38/1। अगली गेंद जतिन, ये स्ट्रोक बेहतर नजर आ रहा है लेकिन ठीक बल्लेबाज के यहां पर ही रुका। हाँ, कुछ देर क्रिकेट, कुछ देर कबड्डी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। देखिए दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे पहुंच गए हैं, भरत मिलाप हो रहा था, गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, दोस्त बहुत दिन बाद आया है, गले मिल लेते हैं और आउट होकर के जाना पड़ेगा यहाँ पे। किशोर जी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, हमेशा मैं कहता हूं अगर विकेटों के बीच होती है तो बल्लेबाज आउट होता है, फील्डर के बीच होती है तो फिर कैच छूटता है, हमारे आपके बीच होती है तो रिश्ता टूटता है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, मिस भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए किशोर जी। मनोज जी ये रनआउट जो है अपने जीवन से भी बहुत जुड़ा हुआ है। रनआउट होने में कभी कभी स्वार्थ,
कभी ज्यादा आराम, कभी जल्दबाजी और निर्णय लेने में ज्यादा देरी या त्वरित निर्णय लेने की जल्दबाजी, ये कारण होते हैं और यही सारे जो कारण है जीवन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन जाते हैं। आप स्वार्थ देख लीजिए, आप अधिक जल्दबाजी देख लीजिए, ज्यादा आराम देख लीजिए, नुकसान होता है जीवन में, इंसान रनआउट हो सकता है, ये तो मैदान है भले। 40 रन 2 विकेटों का पतन, जतिन की रनअप जहां से शुरू करते हैं और स्टंप्स जहां पर यह रनअप खत्म करते हैं वहां पर मेट्रो के 2 स्टेशन बन जाएंगे, इतनी बड़ी इनकी रनअप है। अगली गेंद वाइडी शिलोंगोन के क्षेत्र में खेल दिया, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए पहुंच गए, 42 बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर टीम मंशा पूर्णा रॉयल्स। 42 पे 2.4 ओवर का खेल अभी तक हुआ, करंट रन रेट 9.0 की है, प्रोजेक्टेड स्कोर भी 54 का दिख रहा है, लेकिन गेंदबाज बिल्कुल तैयार है। सामने एक बार फिर से बल्लेबाज प्रीत, यहां पर बहुत बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, नहीं कनेक्ट हुई गेट ठीक से, 2 रन जरूर मिल जाएगा, 2 रन भी कम नहीं है, अगर डॉट खेलने से अच्छा है कि कम से कम आप सिंगल लेते रहें, बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जब आउट होते हैं तो सिंगल और डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते रहें किशोर जी, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाएं, कम से कम वो घाव नहीं छांव तो देंगे। जी हां, राउंड द विकेट, प्रीत का ये बेहतरीन स्ट्रोक है, वाइडी शिलोंगोन के क्षेत्र में गेंद उछली थी अचानक से, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अब इस ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, इस ओवर के अंत में यानी ओवर नंबर 5 के अंत में मंशा पूर्णा रॉयल्स ने बना लिए हैं 46 रन, 46 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और अब 6 ओवर की शुरुआत होने जा रही है, थोड़ा सा समय का ध्यान दें और जल्दी से बॉलर बॉलिंग मार्क पे आए। कौन आ रहे हैं वहां पे, राकेश भाई आ रहे हैं क्या? किशोर जी ये फ्लड लाइट्स में सभी खिलाड़ी एक जैसे ही दिख रहे हैं, अगर किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक जैसा है, ज्यादा थोड़े से मोटे हैं तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं, पतले वाले एक जैसे दिख रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है, पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। राकेश भाई गेंदबाज को गुरु मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया, कमेंटेटर तो बदल लेते हैं, स्कोरर को चिंता है। 46 राकेश भाई ने अपने ही भाई को गुरु मंत्र दिया है, देखते हैं अब ये गुरु मंत्र कितना काम आएगा। स्ट्राइक पर सनी, 1 बाउंस, गेंद मैदान के बाहर, पराग ज्वेलर्स चौका। लग चुका है मंशा पूर्णा रॉयल्स, अर्धशतक अपने संघ का बना चुके हैं। अगली गेंद, इस बार भी कड़ा प्रहार, राकेश भाई ये गेंद हाथों से नहीं फिसली है, मां स्टार्स के चाहने वालों का दिल हाथों से फिसला है। 52 बने हैं 2 विकेटों के पतन पर, मनोज जी बिल्कुल किशोर जी 52 हो चुका है, सनी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं किशोर जी, इसी मैदान पे हमने देखा, लेकिन इस बार
सुरक्षित हाथों में गेंद। जतिन ने वहां पर बहुत अच्छा कैच लिया। ओस बहुत घातक भी साबित हो सकती है खिलाड़ियों के लिए। जितने भी साथी मेरे मैदान में मौजूद हैं, थोड़ा सा संभले, कोशिश करें, क्षेत्र रक्षण अच्छा हो ही जरूर, बट थोड़ा सा अपने दौड़ते वक्त अपने आप को भी संभाले, क्योंकि फिसल रहे हैं खिलाड़ी। 54 रन बने हैं, 54 for 3। बिल्कुल किशोर जी, शबनम की बूंदें अब यहाँ पे आ रही है, ओस की बूंदें आ रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस डॉट गेंद के साथ स्कोर 54 पे ही रुका हुआ है और 5.5 ओवर का खेल हुआ है। आखिरी गेंद इस समय मनसापूर्ण रॉयल्स के इनिंग की, और ये गेंद मैंने कहा आखिरी अंपायर कहेंगे या नहीं कहेंगे वक्त बताएगा। अनिल शेखरन से बल्लेबाज शेखरन पे पहुंच गए थे, नो बॉल का इशारा, रन आउट तो होता ही है, एक रन टीम के खाते में जुड़ेंगे, एक बॉल मिलेगी और वो भी फ्री हिट के रूप में। और अंपायर से देखिए प्रश्न वहां पर पूछ रहे हैं। न्यू बैट्समैन तुरंत मैदान में आए और भाग करके आए। कौन आ रहे हैं, जय आ रहे हैं क्या? न्यू बैट्समैन नेम प्रीत मीत 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 जैन भाई, आप लोग पीछे बैठो ना यार। और हितेश भाई की अगली गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र में फिर एक बार राकेश भाई, इस बार भी रन आउट का मौका स्ट्राइकर एंड पर। बहुत बढ़िया बैकअप, बहुत बढ़िया बैकअप, और विकेट का पतन ये जरूर होगा। जी हां, 2 रन आखिरी गेंद पर मिल चुके हैं, यानी 57 रन बन जाएंगे, एक विकेट भी गिर जाएगा। 57 रनों पर 5 विकेटों का पतन और 58 रनों का लक्ष्य टीम मां स्टार्स के खिलाड़ियों के लिए। हाँ, दूसरे सेमीफाइनल की दोनों टीमें आ जाएं टॉस के लिए। कमल भाई आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। कमल भाई कमल के खिलाड़ी और विकास वारियर्स के बीच का ये मुकाबला, दोनों कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। और महावीर टर्फ हमारे टॉस के स्पॉन्सर, वो भी आ जाएं।
टॉस के लिए कमल के खिलाड़ी कप्तान कमल भाई अगर मौजूद हैं या फिर जेके भाई आप आ जाइए टॉस के लिए। विकास वॉरियर से सैंडी भाई साथ हमारे हैं ही और हमारे टॉस के बॉस महावीर टर्फ से भी यहां पर उपस्थित हैं, तो बस केवल कैप्टन के आने का इंतजार है। जैसे कैप्टन आए दूसरे मुकाबले का टॉस करा लिया जाए और थोड़ा जल्दी ये इनिंग शुरू की जाए। देखिए एक गाड़ी MH48 AC 1046 कार है, आपने जहां पे खड़ा किया है वहां से थोड़ा सा गाड़ी को अपने शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि दूसरी गाड़ी को निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी एक कार और भी है MH48 7938 जिसकी भी कार है आप सही जगह पार्क कर लें क्योंकि जहां पर आपने गाड़ी को पार्क किया है वहां पर आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, रुक सा गया है और ये मैच भी काफी रुका हुआ है। जल्द से जल्द इस इनिंग को शुरू किया जाए, वहां पर मार्किंग का काम चल रहा है। दोनों टीम के ट्वेल्थ मैन आ जाएं, मास्टर्स और मनसापुरा रॉयल्स के ट्वेल्थ मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। दो ट्वेल्थ मैन दोनों टीमों के आ जाएं और मैं अक्सर देख रहा हूं जिस टीम के ट्वेल्थ मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में रह रहे हैं या जिस टीम के ट्वेल्थ मैन पहले आ रहे हैं वही टीम जीत रही है। स्ट्राइकर एंड पे गौरव, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जय धाकड़। नेक्स्ट मैच अखिलेश भाई का AK-56 का। किशोर जी कह रहे हैं मंच पे जाने का मन कर रहा है, व्हाइट का इशारा आता हुआ। किशोर जी पहला सेमीफाइनल की दूसरी इनिंग चल रही है ये पूछ रहे थे आप। 36 गेंदे 57 रनों की दरकार, 9.5 रिक्वायर्ड रन रेट। अब आवाजें देखिए, शोर देखिए, आक्रोश देखिए। मास्टर्स 35 गेंदे 57 जरूरी,
हर एक गेंद पर उल्टी गिनती दर्शक टीम के चाहने वाले जरूर कर रहे हैं। कट करने का प्रयास, शरीर के काफी करीब गेंद आई, कवर्स में इसे रोका गया, कवर पॉइंट्स में इनफैक्ट, और रन संख्या 2। लोकेश की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक है, गैप में खेला गया है, बाउंड्री लाइन के काफी करीब पहुंच चुका है, 3 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, स्ट्राइकर एंड पर, हर एक गेंद पर नजारे काफी सनसनीखेज। पांच रन बिना किसी नुकसान के, ओ माय गुडनेस, थोड़ा सा राज भाई, राज भोगर भाई, आप राजा भाई से संपर्क करें, बॉर्डर पे बैठे वो लड़की को ज्यादा लगा होगा, गाड़ी एक है MH48 AC 1046, जिस किसी भी शख्स की हो वो कार अपनी आप स्विफ्ट डिजायर है शायद से, आप सही जगह पे पार्क कर लें क्योंकि बाकी गाड़ियों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाउंड्री छोड़ करके थोड़ा सा दूर सभी लोग खड़े हों या बैठे, ने बहुत जबरदस्त शॉट जा रहा है, किसी को वहां पर दिक्कत थोड़ी सी हुई है। डगआउट में टकराए, हाँ ये देखिए, दोनों दौड़ रहे थे, गेंद तो नहीं पकड़ी गई लेकिन कुर्सी पकड़ ली है, हाँ वहां पर गिरे हैं, चोट लगी होगी। सभी लोग बाउंड्री से दो दो हाथ पीछे हट जाएं, सभी लोग बाउंड्री से दो दो हाथ तीन तीन हाथ पीछे हट जाएं। अंपायर बाउंड्री थी ना, जी हाँ, वो भी चेक कर रहे हैं क्योंकि उस क्षण में शायद अंपायर का भी ध्यान उस घटना पर होगा, गेंद पर नहीं, थोड़ा सा थर्ड अंपायर से सहयोग लेते हुए। राजभोगर आके राजा भाई से संपर्क करें, राजभोगर, केवल 2। मनोज जी, 5 से 6 दर्शक गिरे, 7 से 8 कुर्सियां गिरी, 2 खिलाड़ी भी गिरे और रन मात्र 2। क्या चाहते हैं फील्डिंग करने वाली टीम, आपको घर नहीं जाने दे, 8 रन बिना किसी नुकसान के, 32 गेंदे 50 जरूरी। अगली गेंद सीधा हाथों में, मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है मेरे दोस्त, धोखे तो 7 फेरों के बाद हो जाया करते हैं, यार कर तो यूं ही बदनाम है, पुल टॉस पे भी लोग आउट हो जाया करते हैं। किशोर जी, सेमीफाइनल का दबाव इतना है, खिलाड़ी घायल हो रहे हैं, दर्शक घायल हो रहे हैं, कप्तान घायल, 8 रन 1 विकेट का नुकसान।
8 रन बने हैं, एक विकेट का पतन हुआ है, 0.5 गेंदों में। अब बल्लेबाजी के लिए जो नए बल्लेबाज आ चुके हैं वो हैं भावेश भाई, लोकेश, एक ओवर के समाप्ति के बाद 12 रन एक विकेट के नुकसान पे 30 गेंद पे 46 रन की आवश्यकता इस समय इस मुकाबले को जीतने के लिए मास्टर्स की टीम को। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन अब फिर से यहां पर तीस गेंद पे एक ही बॉल से सब लोग खेलो और नहीं खेल रहा है ना बॉल लाके दो इधर। तीस पे 46 चाहिए जीतने के लिए। इस बीच हवा में खेल बैठे हैं, विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है, थर्ड मैन भागते हुए अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन, दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ। चॉइस ग्रुप के सभी परिवारजनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, आपके ही माध्यम से जिन जेपीएल टीम ने यहां पर अपने खेल से दर्शकों को आकर्षित किया लेकिन वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए, ऐसे सभी टीमों को हम सम्मानित करेंगे। चॉइस ग्रुप, आप सभी परिवारजन कृपया मंच पर आ जाएं। उनतीस पे 46 महेंद्र भाई चॉइस ग्रुप सभी परिवारजनों के साथ मंच पर आ जाएं। सभी टीमों को अब सम्मानित किया जाएगा। राजेश भाई, कल्पित भाई, कृपया मंच पर आ जाएं। तेरह पे दो, उसके ऊपर के रैंक्स मिट गए, हाथ में पकड़ पकड़ के उसके ऊपर के रैंक्स मिटे होंगे। एक निकाल लेते हैं, सात आठ नंबर निकाल लेते हैं। कितने गिफ्ट बाकी? चॉइस ग्रुप का केवल नाम
और चॉइस ग्रुप के सभी परिवारजन मंच पर आ जाएं, और टीम्स भी जिनके नाम मैं घोषित कर रहा हूं वो भी अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मंच पर आ जाएं। हेलो, चार बॉल 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चॉइस ग्रुप के सभी परिवारजन यहां पर मौजूद हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, तब तक मन मंदिर इंडियंस, मन मंदिर इंडियंस सभी खिलाड़ी आपके मंच पर पहुंचे। मन मंदिर इंडियंस, मन मंदिर इंडियंस, मन मंदिर इंडियंस, मन मंदिर इंडियंस सभी खिलाड़ियों के साथ मंच पर पधारे। मन मंदिर इंडियंस के बाद चंदन सुपर इलेवन की टीम भी मंच पर पहुंचे। दो ओवर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 24 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता है। कैमरामैन आप मंच के सामने अब आ जाएं। कैमरामैन, चॉइस ग्रुप सभी टीमों को आप सम्मानित करते हुए सबसे पहले मन मंदिर इंडियंस आ जाएं सभी खिलाड़ी। मन मंदिर इंडियंस, चार खिलाड़ी पहुंचे हैं, जितने मौजूद हैं उतने आ जाएं ताकि आ जाइए। कैमरामैन भी आ जाएं। मन मंदिर इंडियंस आ जाइए टीम। दूसरी टीम है चंदन सुपर इलेवन, चंदन सुपर इलेवन आप भी आ जाएं। चंदन सुपर इलेवन। तीसरी टीम नाकोड़ा स्मैशर्स आप भी मंच की तरफ रुख करें। नाकोड़ा स्मैशर्स, मोरपंख लायंस आप भी मंच की तरफ आए। मोरपंख लायंस, नाकोड़ा टाइगर्स आपके टीम का भी इंतजार होगा। नाकोड़ा टाइगर्स, मन मंदिर इंडियंस, नाकोड़ा टाइगर्स, नाकोड़ा स्मैशर्स, मोरपंख लायंस, सांखला सुपर किंग्स, एएम 11 आपके भी सभी खिलाड़ी आ जाएं। बैठ जाइए आप। तब तक अगर कन्हैया लाल जी यहां पर मौजूद हैं, कन्हैया लाल जी कुछ कूपन्स अभी देना शेष है, आप आ जाइए। कुल मिलाकर 4 कूपन्स अनाउंस हम एक ही साथ कर रहे हैं। कन्हैया लाल जी, थोड़ी सी तकलीफ में आपको देना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। लकी कूपन्स 4 अभी पेंडिंग, जी हाँ 4 लकी कूपन पेंडिंग। जब तक कन्हैया लाल जी पहुंच रहे हैं तब तक
टीम मन मंदिर इंडियंस को चॉइस ग्रुप सम्मानित कर रहे हैं। कूपन अंकल से हेलो 29 रन दो विकेट के नुकसान पर। उन्नीस बॉल में 29 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 19 गेंदे 29 रन। चार लकी कूपन मेरे हाथ में है, जब तक वो चार लकी कूपन हम घोषित करेंगे तब तक मंच पर पहुंच चुके हैं नाकोड़ा स्मैशर्स। नाकोड़ा स्मैशर्स आपने बहुत कमाल की क्रिकेट आज संस्करण 10 में खेली है, शुभकामनाएं। चॉइस ग्रुप आपको सम्मानित करता हुआ। और दर्शक जो है लकी कूपन के नंबर्स पर ध्यान दे। शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा हमारे लकी कूपन्स के लाभार्थियों का, श्रीमती सायर भाई, स्वर्गीय किशन लाल जी, हिंगड़ परिवारजन, चारभुजा ज्वेलर्स और कन्हैया लाल जी मेरे साथ मंच पर भी मौजूद हैं। 3 ओवर 33 रन दो विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदों में अभी भी 25 रन की आवश्यकता है। 18 गेंदे और 25 रन 18 balls 25 नीडेड। और लकी कूपन्स का पहला नंबर है 233। दूसरा लकी कूपन नंबर है 3030। तीसरा लकी कूपन नंबर है 134। और चौथा और आखिरी लकी कूपन नंबर है 154। अब चारों कूपन नंबर्स में दोहरा रहा हूं, 134 यानी चॉइस ग्रुप को ही मिल रहा है ये इनाम, क्या बात है। माँ जी हमारे साथ मंच पर मौजूद है, कन्हैया लाल जी एक कोई बात नहीं, 134 कूपन नंबर चॉइस ग्रुप को ही ये पुरस्कार मिलता हुआ। आगे आ जी अंकल थोड़ा सा। चॉइस ग्रुप से माँ जी ने ये पुरस्कार जीता, अभिनंदन माँ जी। उसके बाद जो तीन नंबर है मैं अनाउंस कर रहा हूं, फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, 154 कूपन नंबर 30 और कूपन नंबर 233 बेटा आ जाइए ऊपर। कूपन नंबर 233 आपका नाम बेटा, नियति ने जीता है ये पुरस्कार लकी गिफ्ट। 16 गेंदे 23 रन 233 फोटोग्राफर। अगली टीम जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा वो है टीम सांखला सुपर किंग्स, आप भी आ जाए। तब तक विजेता कूपन नंबर 30 और कूपन नंबर 154 अगर विजेताओं तक मेरी आवाज पहुंच रही है, 154 और 3030। दरमियान टीम सांखला सुपर किंग्स को चॉइस ग्रुप द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।
14 गेंदे 22 रन, टीम की रन संख्या 36 रन ओपन 2 विकेट, 4 गेंदे हो चुके हैं, 36 रन 2 विकेट, 14 गेंदे में 22 रन की आवश्यकता। चॉइस ग्रुप आपका शुक्रिया। सांखला सुपर किंग्स आने वाले सभी क्रिकेट के मुकाबलों के लिए आपको शुभकामनाएं। 30 और 154 भी आपके पास है, चलिए 154 भी दे दीजिए। अंकल जी, अंकल कन्हैयालाल जी, कूपन नंबर 154 भी हमें मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन कूपन नंबर 154 के विजेता। अब आखिरी कूपन जो हाथों में है वो है 3030 नंबर का। 4 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में अभी भी 19 रन की आवश्यकता है, 12 गेंदे 19 रन। 30 क्या नया कूपन निकाला जा सकता है? अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है, आखिरी जो गिफ्ट है उसके लिए कन्हैयालाल जी फिर एक बार हमें सहयोग करें, और जो नेक्स्ट टीम हमें साथ दे मंच पर वो है चंदन सुपर 11, चंदन सुपर 11, चंदन सुपर 11 की टीम कृपया मंच पर आ जाए। अब नया जो कूपन निकला है उस पर नंबर है सिंगल डिजिट टू। कुछ समय के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं हौजी खेल रहा हूं। सिंगल डिजिट टू। कोई तो मंच की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, क्या ये लकी विजेता है? हाँ, इशारा दे दीजिए, सिंगल डिजिट टू। हाँ, मुस्कान से तो यही जाहिर हो रहा है। चलिए कूपन्स जो आखिरी था वो भी अब लकी विजेता तक पहुंच चुका है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, शीतल जैन कॉन्ग्रेचुलेशंस, कन्हैया लाल जी के हस्ते उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। अब किड्स सारे लकी कूपन्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, शब्बा खैर। सारे कन्हैयालाल जी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। किड्स थैंक्स अ लॉट। अब नई जो टीम है नाकोड़ा टाइगर्स, आप कृपया मंच पर आ जाए। नाकोड़ा टाइगर्स, कुछ किड्स ने गुस्से में जो कूपन्स है वो चबा दिए हैं। क्या आवश्यकता? 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर नाकोड़ा टाइगर्स। अंपायर डिसीजन 11 आउट, नॉट आउट। मॉडर्न 11 स्टार और नाकोड़ा टाइगर्स। अच्छा, एक रन है, एक रन। चंदन सुपर 11, तीनों टीम अब आप मंच पर आ सकते हैं। साथ ही साथ मोरपंख लायंस, चार टीमें हैं जिनको अवार्ड देना अभी शेष। तब तक चॉइस ग्रुप आप बैठ सकते हैं, विराजमान हो सकते हैं। भाभी ये ले लीजिए आप चेयर। 10 गेंदे 16 रन 42 रन पर 2 विकेट, 10 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। एएम 11 आप भी आ जाए, एएम 11 जिन टीमों के मैं नाम ले रहा हूं कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो मंच पर आए और पुरस्कार स्वीकारें, क्योंकि मंच पर भी चॉइस ग्रुप आपका इंतजार कर रहे हैं। AM11 आ चुके हैं, AM11 AM से PM तक जो संघर्ष करते रहे, दीपक भाई हर एक रन के लिए झुलसते रहे। AM11 ऐसी टीम, जानवी आप भी आ जाइए।
कॉन्ग्रेचुलेशन एम इलेवन आपके खेल के लिए अभिनंदन। एम के सारे खिलाड़ी मंच पर, अभी कुछ खिलाड़ियों की कमी है लेकिन आ जाइए, कोई बात नहीं। चॉइस ग्रुप एम इलेवन संघ को सम्मानित करते हुए अगली जो टीम है मोरपंख लायंस। मोरपंख लायंस आप तैयार हैं? मोरपंख लायंस मोरपंख लायंस टीम का स्वागत है मंच पर, चॉइस ग्रुप उन्हें भी सम्मानित करेंगे। नाकोड़ा टाइगर्स नाकोड़ा टाइगर्स आपके टीम का भी इंतजार होगा मंच पर। नाकोड़ा टाइगर्स और चंदन सुपर इलेवन आप भी आ जाएं मंच पर। 8 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता, 8 बॉल 13, 45 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 8 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता। चॉइस ग्रुप द्वारा चंदन सुपर इलेवन को सम्मानित किया जा रहा है। 7 गेंदों में 12 रन, 46 रन पर 2 विकेट, 7 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता। शुक्रिया स्कोरर, आप हमें सहयोग दे रहे हैं मनोज भाई की अनुपस्थिति में। मॉडर्न इलेवन स्टार का संघ कृपया मंच पर आ जाएं। मॉडर्न इलेवन स्टार 6 गेंदों में 11 रन, 6 बॉल 11 रन, 47 रन पर 2 विकेट, 5 ओवर समाप्ति के बाद 6 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता है। मनोज भाई का गला अगर बैठ जाए तो ऐसी आवाज आ सकती है। कैसी आ सकती? थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। मॉडर्न इलेवन स्टार्स और नाकोड़ा टाइगर्स मॉडर्न इलेवन स्टार्स और नाकोड़ा टाइगर्स कृपया मंच पर आ जाएं। गेंदों में 11 रन, 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता। कमल भाई
छह गेंदों में 9 रन, 49 रन हो चुके हैं, 6 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता। पांच गेंदे और 8 रन, 5 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता, 50 पूरा हुआ टीम का, जोरदार तालियां। पांच गेंदे 8 रन, बहुत ही रोमांचक होते हुए मैच। चार गेंदे 6 रन, 4 गेंदों में अभी भी 6 रन चाहिए, 4-6, 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 4 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता है मास्टर्स को। और ये रन आउट, राकेश जोशी रन आउट होते हुए। जी हाँ, नाकुड़ा टाइगर्स चॉइस ग्रुप, अंकल आपके हस्ते ये पुरस्कार दिया जाए तो भी कोई बात नहीं। जी हाँ, चॉइस ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। अभी भी 3 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता है, 52 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 3 गेंदे और 6 रन। अगर जय ने अगर चौका मारा तो जीतू भाई की तरफ से 501 रुपए का इनाम है। तीन बॉल 6 रन, 3 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता टीम मास्टर्स सोसाइटी। आ जाइए, चॉइस ग्रुप हमारे साथ है। और इसी एक रन की बदौलत 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 2 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता और कंपलसरी चीज है 2 गेंदों में 5 रन। एक सेकेंड ना, वो माजी भी पीछे है, उन्हें भी थोड़ा सा हम लोग स्पेस कर देते हैं। आंटी भी है ना, सॉरी माफ कीजिए, कमेंट्री मेंबर से बोला गया है सुपर ओवर भी हो सकता है, कंपलसरी चेज नहीं है। सेमीफाइनल और फाइनल में कंपलसरी चेज नहीं है, टाई हो सकता है मैच। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू। ये लगा 420 वोल्ट का झटका भावेश भाई के बैट से। कम ऑन डीजे।
मेरा कुछ ना।